नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस कड़ी के अंदर आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है न्योनेटल हाइपोथर्मिया। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथर्मिया के कारण न्योनेट के अंदर जो है डेथ का एक कॉमन कॉज बनता है। न्योनेटल हाइपोथर्मिया के लिए वी हैव टू नो कि व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर ए नियोनेट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है न्यू बॉर्न का एट बर्थ। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? इट्स 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ इज 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ ये नॉर्मल है टेम्परेचर, और इससे कम होएगा तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलेंगे। तो न्योनेटल हाइपोथर्मिया जो होता है उसके अगर डेफिनेशन की बात करें कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो जब बॉडी का टेम्परेचर 36.5 एक्सिलरी टेम्परेचर, न्योनेट का एक्सिलरी टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोलेंगे अपन हाइपोथर्मिया। नियोनेट के अंदर नॉर्मल कितना 36.5 टू 37.5, और 36.5 से कम है अगर, और कौन सा टेम्परेचर एक्सिलरी। अगर पूछा जाए बच्चों में टेम्परेचर लेने का सबसे कॉमन रूट कौन सा है, वो एक्सिला है। एक्सिला इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ टेम्परेचर इन न्यू बॉर्न इज एक्सिला। बना हुआ सवाल है, एक्सिला से टेम्परेचर लेते हैं, थर्मोमीटर जो काम में लिया जाता है टेम्परेचर को लेने के लिए, और उसको एक्सिला में कितने देर के लिए रखना होता है एक इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो पुट इन एक्सिला फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। कितना टाइम? 3 मिनट के लिए। 3 मिनट तक थर्मोमीटर को एक्सिला में रखते हैं। मोस्ट कॉमन रूट है टेम्परेचर लेने का। पर एक कभी कभी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द बेस्ट रूट। ये मोस्ट कॉमन रूट है, लेकिन टेम्परेचर का बेस्ट रूट कौन सा टेम्परेचर के लेने का, तो हमेशा क्या रहेगा? रेक्टम। क्या रहता है? रेक्टम। दोनों चीजों में फर्क है। इट इज द बेस्ट रूट और इट इज द मोस्ट कॉमन रूट, दो अलग अलग बातें। एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी का टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना हाइपोथर्मिया कहलाता है। नॉर्मल है 36.5 टू 37.5, और 36.5 से कम हो तो हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर एक्सिलरी से लेते हैं, 3 मिनट के लिए थर्मोमीटर को एक्सिला में रखना होता है राइट रीडिंग के लिए। सबसे कॉमन रूट है टेम्परेचर लेने का बच्चों के अंदर। अगली इंपॉर्टेंट बात, क्लासिफिकेशन करते हैं हाइपोथर्मिया को। क्लासिफिकेशन, 3 कैटेगरी बनती है बच्चे में हाइपोथर्मिया की। क्लासिफिकेशन, सबसे पहली कैटेगरी बनती है माइल्ड हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस। माइल्ड हाइपोथर्मिया या इसी को बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। सबसे पहली कैटेगरी माइल्ड हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस, जब टेम्परेचर लेस देन 36.5 तो है, लेकिन कैटेगरी है 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको माइल्ड हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। टेम्परेचर स्केल वेरी रेंज बिटवीन 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड माइल्ड हाइपोथर्मिया या कोल्ड स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। दूसरी कैटेगरी यहां पर बनती है न्योनेटल हाइपोथर्मिया के अंदर, दैट इज द माइल्ड। क्लासिफिकेशन में पहली कैटेगरी बनी माइल्ड हाइपोथर्मिया 36.5 डिग्री टू 36 टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो माइल्ड कैटेगरी के अंदर बना 36 टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा कैटेगरी बनता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया के अंदर स्केल जो बनता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा कैटेगरी बनता है सीवियर हाइपोथर्मिया और यहां पे स्केल बनता है लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सीवियर हाइपोथर्मिया, 3 कैटेगरी माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। 36 से 36.4, 30
35.9 और लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन कैटेगरी हाइपोथर्मिया की नियोनेट के अंदर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। हाइपोथर्मिया एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हाइपोथर्मिया के कारण नियोनेट के अंदर सिस्मिक चेंजेस आते हैं और नियोनेट जो है उसमें एक्सपायरी के कारण बनता है। हाइपोथर्मिया में जाने वाले नियोनेट जो कॉमन होते हैं वो प्रीमेच्योर बेबी होती है और प्रीमेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ दैट अकर ड्यू टू द हाइपोथर्मिया। प्रीमेच्योर बेबी हाइपोथर्मिया में ज्यादा जाता है। प्रीमेच्योर बेबी या प्रीटर्म बेबी, लो बर्थ वेट बेबी की हाइपोथर्मिया में जाने के चांसेस ज्यादा होने के बहुत सारे रीजन है क्योंकि उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बहुत कम काम करती है। बच्चा टेम्परेचर को गिरने से रोकने के लिए या हाइपोथर्मिया में जाने से रोकने के लिए सिवरिंग नहीं कर सकता। सिवरिंग मैकेनिज्म बच्चे में नहीं होती है, जबकि एडल्ट या अपने लोगों को, अपने को जब भी ठंड लगती है तब सिवर करते हैं, पर बच्चा सिवर नहीं कर सकता। उसकी वजह से उसमें हीट का जनरेशन नहीं होता है, उसमें पॉजिटिव मैकेनिज्म सिवरिंग वाली नहीं होती है और इसके कारण वो हाइपोथर्मिया में ज्यादा जल्दी चला जाता है। बच्चे में इस हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए ब्राउन फैट ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो हाइपोथर्मिया में जाने से प्रिवेंट करता है। तो कुछ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म बच्चे में होती है और कुछ मैकेनिज्म जो होती है वो नहीं होने के कारण वो ज्यादा हाइपोथर्मिया में जाता है। हाइपोथर्मिया सीवियर कैटेगरी का जब बच्चे में होता है तो हम रेडिएंट वार्मर और इनक्यूबेटर काम में लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो हाइपोथर्मिया के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आता है, पर हम जिस चीज को डिस्कस करना चाह रहे हैं आज वो है कि हाइपोथर्मिया कहते किसको है और उसकी स्केलिंग क्या होती है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर का 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना हाइपोथर्मिया है और इसकी तीन कैटेगरी है, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। माइल्ड हाइपोथर्मिया को कोल्ड स्ट्रेस कहते हैं, जब टेम्परेचर लेस देन 30 जब टेम्परेचर वेरी करता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड टू 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, मॉडरेट में 32 टू 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड और सीवियर के अंदर लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। वीडियो की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आगे के वीडियोस में कुछ नई चीजें जो है वो अगर आपको सीखनी है तो प्लीज जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन है उसको प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और किसी भी तरीके का सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें ताकि मैं फ्यूचर के वीडियोस के अंदर आपके लिए कुछ अच्छी चीजें लेकर आऊं। धन्यवाद।